नमोस्तुचर श्री रीना जैन कटंगी से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, जब समोसरण लगता है तो उसमें महिलाओं के बैठने का स्थान होता है या नहीं? अगर होता है तो वह स्थान कौन सा होता है? कृपया समाधान करें गुरुदेव। समोसरण जहाँ पर सबको समान शरण मिलती है वह समोसरण कहलाता है। तीर्थंकरों का समोसरण लगता है और चारों तरफ उनकी सभा होती है। इस प्रकार से अस्य होता है कि सभी को ऐसा लगता है कि भगवान हमारे तरफ ही हैं और हमको ही देख रहे हैं और हमको ही जो है उपदेश दे रहे हैं। इस प्रकार का समोषण का अस्य तो 12 सभा होती हैं। 12 सभा में एक सभा श्राविका की भी होती है, तो श्राविका में ही महिला आ जाती हैं। 12 सभा कौन कौन सी होती हैं? देखो, तो 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, वैंतर, ज्योतिष और वैमानिक। इनके देव और इनकी देवियाँ, देव देवियाँ एक साथ नहीं बैठते समोषण में, ध्यान रखना। जैसे आप लोग प्रवचन में देखते हो, जेंट्स एक तरफ बैठते हैं, महिलाएं एक तरफ बैठती हैं, तो एक कोटे में भवनवासी देव और दूसरे कोटे में भवनवासी देवियाँ, फिर वैंतर देव, फिर वैंतर देवियाँ, ज्योतिष देव, ज्योतिष देवियाँ, वैमानिक देव और वैमानिक देवियाँ। तो कितने हो गए? ये 8 हो गए, ठीक है ना। त्रियंश एक कोटे में बैठते हैं तो एक त्रियंश की सभा हो गई, कितने हो गए? 9। एक कोटे में सभी मुनिराज जो उसमें उपाध्याय हों, आचार्य हों और साधु हों, केवली हों, श्रुत केवली हों, सभी जो हैं वह एक कोटे में बैठते हैं तो वो मुनि की सभा हो गई। तो ये हो गए 10। 11वां और 12वां है श्रावक और श्राविका का। 11वें कोटे में श्रावक, श्रावक जितने भी श्रावक हैं, पुरुष वर्ग, मनुष्य पर्याय में जो पुरुष वर्ग हैं वो सभी जो हैं श्रावक जो हैं, व्रती हों और चाहे अव्रती हों, मतलब एक देश व्रत को धारण करने वाले हों अथवा पाक्षिक श्रावक असैमी हों, वो सभी जो हैं इसी कोटे में बैठते हैं। और अंतिम 12वां जो है आरिकाओं का भी नहीं, उसमें आरिका महिलाएं, श्रावक, श्राविका, सैमी, सैमी सभी, उसमें आरिकाओं का अलग से कोटा नहीं है, महिलाएं में ही शामिल हैं। श्राविकाएं जितनी भी हैं और जितनी भी उसमें आरिकाएं हैं और व्रती महिलाएं हैं, अव्रती महिलाएं हैं, सभी एक श्राविका कोटा में, तो श्रावक और श्राविका। समझ में आ गया ना आपको? तो इस प्रकार से एक कोटा में सभी महिलाएं आ जाती हैं, चाहे वो व्रती हों, एक देश व्रती हों, पंचम गुणस्थान व्रती हों, चतुर्थ गुणस्थान व्रती हों, वो सभी एक कोटे में आ जाती हैं। इस प्रकार से उनका भी एक जो है स्वाध्याय सुनने का, प्रवचन सुनने का एक कोटा होता है। नमोस्तुचर श्री दीपक जैन गंगेरू से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, कोई विद्वान कहते हैं पार्श्वनाथ भगवान की जो फण सहित प्रतिमा है वह नकली है और जो फण रहित प्रतिमा है वह असली है, क्या उनका कहना यह उचित है? और जो भी इतनी पार्श्वनाथ भगवान की फिर फण सहित प्रतिमाएं हैं, क्या वह प्रतिमाएं नकली कहलाएंगी या नहीं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। फण सहित भगवान नकली हैं, फण रहित भगवान असली हैं। इस प्रकार से विद्वानों के मुख से ऐसी बातें निकलती हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद समाज को यह किस ओर ले जा रहे हैं। मेरी सभा में कोई बोलता है तो मैं तो तुरंत बोल देता हूँ, तुरंत खंडन कर देता हूँ। और अभी अभी पंचणक में ब्रह्मचारी निशान ने मेरे सामने ही बोल दिया कि फण रहित परमात्मा जो है वो असली हैं, फण सहित जो है वो नकली हैं। मैंने टोक दिया, ये क्या है? कोई इतिहास, कोई कला, कोई संस्कृति का ज्ञान है भी या नहीं है? ये हमारी धरोहर हैं, हजारों वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं में आप देखिए, कला देखिए, क्या बताना चाह रहे हैं हमारे कलाकार या संस्कृति या शास्त्र, उसका पूरा का पूरा दिग्दर्शन है। अब बाहुबली भगवान के पैरों में बेल लग गई, वो प्रतिमा बन गई, तो वो असली है कि नकली है? सुपारसनाथ भगवान के मस्तक में भी फण लगा है तो नकली है कि असली है? आप अपनी वितरागता देखिए, अब उनमें चिन्ह लगे हुए हैं तो चिन्ह लग गए तो नकली है कि असली है? 1008 लक्षण लग गए तो नकली है कि असली है? ये शरीर, ये कला,
देखना है कि तुम्हें मूर्तिमान से अमूर्तिमान में जाना है। ये मूर्ति तो सहारा है, तुम्हें परमात्मा अरहंत भगवान के दर्शन करना है। अब उसमें यह चछड़ी लगी हो तो असली है कि नकली है, ये क्या कुतर्क का विषय बना के रखते हैं। थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, थोड़ा सा तो ज्ञान लगाओ, इतिहास देखो, कला देखो, पुरातत्व देखो, संस्कृति देखो, सिद्धांत लगाओ, सबके ओर से दृष्टि से दर्शन करने को सीखो। दर्शन करने की भी कला होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें ऐसे कुतर्कों में फंसना नहीं चाहिए और ना ही ऐसे विद्वानों को हमें प्रोत्साहन आदि भी देना चाहिए। नमोस्तु चर श्री सुनील जैन बाहुबली एनक्लेव से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, अभिषेक के समय महिलाएं मुद्राएं बनाकर खड़ी हो जाती हैं और भावना भाती हैं, तो क्या इनसे उनको दोष लगता है या नहीं, कृपया समाधान करें गुरुदेव। कृत कार्यत और अनुमोदना, देखिए कृत के द्वारा करना, कार्यत कराना या करने वाले की अनुमोदना करना, इस प्रकार का हमारे जैन शास्त्र में बात आती है। जिस समय पुरुष लोग अभिषेक कर रहे हैं और महिलाएं लोग कलश की मुद्रा बना करके जो है अनुमोदना कर रहे हैं, तो उनको वो फल मिलता है, क्योंकि परिणाम तो आपके हैं अभिषेक करने के, और वह जो है भाव उनको वहाँ पर प्राप्ति होती है। हम लोग सोचते हैं कि ऐसे करने से महिलाओं को पाप लग गया, कि ये मुद्रा महिला को नहीं बनाना चाहिए, वो अभिषेक की मुद्रा नहीं है। ठीक है, मैं सही कहता हूँ कि हाथ में खाली मुद्रा नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में कलश होना चाहिए। कलश बिना मुद्रा नहीं होती है। आप यूं कर लो और भगवान के सामने हम अभिषेक कर रहे हैं, ये मुद्रा तो बेकार है। कुछ लोग ऐसे करके छत्र करने लगते हैं, ये मुद्रा बेकार है। कुछ लोग इस प्रकार से चमट ढोलाने लगते हैं, ये मुद्रा बेकार है। मुद्रा बिना सामग्री के नहीं होती है, ठीक है ना। आप महाराज जी के पास भी जाते हो तो श्रीफल लेके जाते हो, हाथ में कुछ लेके जाते हो, खाली हाथ नहीं जाते हो। तो मुद्राएं तभी सार्थक हैं जब आपके हाथ में कुछ ना कुछ हो। तो महिला यदि अभिषेक की मुद्रा बनाती है तो अपने हाथ में कलश ले ले कि कलश से हम अभिषेक कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार के बना सकते हैं, और कहीं पे ये व्यवस्थाएं हैं कि वहाँ कर भी सकते हैं। तो इस प्रकार से जैन धर्म जो है बड़ा व्यापक है। कृत कारित अनुमोदना का फल जो है उस जीव को मिलता है, और ऐसी मुद्राएं बनाते हैं, पर खाली हाथ मुद्रा ना बनाए, मैं ये कहना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो कि पारस चैनल के माध्यम से नित्य शाम को प्रसारित होता है, और पाठशाला भी प्रसारित की जाती है जो कि तत्वार्थ स्वाध्याय की पाठशाला होती है। ये प्रोग्राम पारस चैनल में शाम 5:00 से 5:40 तक चलता है। आप सभी अवश्य देखें, और जिस प्रकार से संबंधित किसी भी प्रकार से संबंधित ये कोई भी शंका आपके मन में है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भेजें, आपकी शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आगम के अनुसार किया जाएगा। जय जिनेंद्र।